हरि हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन धन दिन ही से काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और छठे लंब को आधार बनाकर सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के यथार्थ स्वरूप की चर्चा चल रही थी। कौन से ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहें और कौन सा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाए, इसका आधार क्या बात जानी गई है यह नहीं है। यदि वो जीव तत्वज्ञानी है तो कुछ भी जाने उसका सब ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और यदि उसका ज्ञान तत्व ज्ञान से शून्य है तो वो कुछ भी जान ले वे सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि आप शास्त्र का ज्ञान हो ये सम्यक ज्ञान होगा और बिजनेस का ज्ञान हो ये मिथ्या ज्ञान होगा, ऐसा अर्थ नहीं है। हम ये समझते हैं कि बिजनेस व्यापार आदि का ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है और शास्त्र का ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, ऐसा नहीं है। तत्व ज्ञान पूर्वक अंतरंग में निर्णय होने पर जिसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, उस जीव के यदि बिजनेस संबंधी भी ज्ञान हो, अकाउंट्स का ज्ञान हो, गणित संबंधी ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान हो, इंजीनियरिंग का और जमीन दुकान जायदाद मकान आदि संबंधी कुछ भी ज्ञान हो तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, ठीक है। और जिसे ये तत्व निर्णय नहीं है, इसके न होने पर कोई व्यक्ति यदि शास्त्रों का अध्ययन भी करे तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। मतलब शास्त्रों को पढ़ कर के भी मिथ्या ज्ञान और लौकिक ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कि हाँ, उसके ज्ञान में भेद विज्ञान की धारा बह रही है। ज्ञानी के ज्ञान में उसके अंतर में तत्व निर्णय वर्तता है। जिसके अंतरंग में तत्व निर्णय वर्तता हो, अब वो जो भी ज्ञानेगा क्या फर्क पड़ता है। वो न्यूज़पेपर का भी यदि उसको ज्ञान होगा, राजनीति व्यापार आदि का भी ज्ञान होगा तो भी उस ज्ञान को वो भेद विज्ञान की दृष्टि से देखता है, उसमें उसकी मिथ्या कल्पना नहीं चलती। इसलिए वो जीव का ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान है। इसलिए सम्यक ज्ञान का निर्णय विषय के आधार पर नहीं है, सम्यक ज्ञान का निर्णय आत्म स्वभाव के अवलंबन है या नहीं है इस आधार पर है। वही वस्तु स्वरूप, लेकिन ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान व्यावहारिक भाषा में अपन कहते तो हैं, लेकिन जिन जीवों को अंदर में सम्यक दर्शन न हुआ उन्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान भी सच्चा नहीं है, फिर वो आगम आधार से है, व्यवहार से ही वो सच्चा ज्ञान कहलाएगा। अभी हमें भी जितनी शांति का अनुभव होता है, थोड़ा बहुत भी प्रतिकूलताएं बनने पर, घर गृहस्थी संबंधी प्रतिकूलताएं, व्यापार में घाटा लग गया, ये जो ऐसी परिस्थितियां बनी, इन परिस्थितियों में जो किंचित शांति का अनुभव होता है, उस शांति का आधार क्या है? सम्यक ज्ञान नहीं है तो मिथ्या ज्ञान है कि नहीं? सम्यक ज्ञान के सन्मुख जो ज्ञान था, अभी सच्चा ज्ञान तो नहीं। सच्चा ज्ञान का लक्षण तो वितरागता कहा ना कल, वीतरागता और अतिंद्रिय आनंद उत्पन्न हुआ हो तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान, और वो नहीं हुआ, लेकिन साहब फिर भी इन बातों को पढ़ने से शांति तो मिल रही है जीवन में,
इन बातों को पढ़ने से जो लाइफ में थोड़ा सा डिप्रेशन कम हो रहा है, जो थोड़ा सा टेंशन कम हो रहा है, जो आकुलता की थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे रही है, आखिर उसके पीछे क्या कारण है कि उसके ये सब तत्व निर्णय है। इन सबका नाम तत्व निर्णय है। मैं तत्व निर्णय में इतनी बातें गर्वित हो गई। पात्रता में फर्क पड़ेगा। हाँ, पात्रता में फर्क पड़ेगा बिल्कुल। और इन सब बातों को पात्रता में शामिल किया है। सम्यक दृष्टि जीवों के लक्षणों में इन सब बातों को शामिल किया। अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जब अंतिम अध्याय पढ़ा था, नौवां अध्याय पूरा ही ग्रंथ पढ़ा था, तो तब अपन ने इन विषयों में परस्पर समन्वय की चर्चा देखी थी। ये सात तत्वों का श्रद्धान, तत्वार श्रद्धान है कि आपा पर का श्रद्धान है कि देव गुरु धर्म का श्रद्धान है, तो ये सारी बातें सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में होती है। अकेला एक नहीं, सब बातें उसके जीवन में होती है। देखिए यहाँ सात तत्वों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सात तत्वों की सामान्य परिभाषाएं पेज नंबर 285 पर। सामान्य से क्या परिभाषाएं हैं सात तत्वों की। बोले जीव तत्व किसे कहे, ज्ञान दर्शन स्वभावी अर्थात ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को ही जीव तत्व कहते हैं। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। अब हमने उल्टा पूछा, आत्मा किसे कहते हैं। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को इसलिए कही ये बात क्योंकि ये परिभाषाएं याद कराई है मैंने पहले वितरण विज्ञान पाठमाला में, हमने ये परिभाषाएं याद की है। आत्मा की क्या परिभाषा है, आत्मा किसे कहते हैं। बोले ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। अब जीव तत्व किसे कहते हैं, बोले ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। जीव तत्व कहो या आत्मा कहो, एक ही बात है। कुल मिलाकर के बात तो ज्ञान स्वभावी होने की है, ज्ञान स्वभावी तत्व की चर्चा है। चलिए अजीव तत्व किसका नाम है, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा से रहित समस्त पदार्थों को अजीव तत्व कहते हैं। क्या जो जो जीव तत्व नहीं है वो सब अजीव तत्व है, उस आत्मा से रहित समस्त पदार्थों को अजीव तत्व कहते हैं। ये यद्यपि इन्होंने ये बात लिखी तो है, मैं इसकी व्याप्ति से थोड़ा सा कम सहमत हूँ इस बात से। और मैंने इसकी भी व्याख्या आपके बीच में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अध्याय के संदर्भ में चलते समय की थी। अजीव तत्व किसे कहे, अजीव द्रव्य और अजीव तत्व, अजीव तत्व किसका नाम है। वहां टोडरमल जी साहब ने प्रयोजन भूत तत्व कहे, माने ये जो सात तत्व है ना, ये अकेले तत्व नहीं है, ये प्रयोजन भूत तत्व है। इनके पहले प्रयोजन भूत शब्द का प्रयोग किया, हित हित का संबंध है, इसलिए प्रयोजन भूत है। देखो ऐसा कहा, जिनके सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण के बिना, जिनके सम्यक श्रद्धान ज्ञान प्राचरण के बिना हमारा दुख दूर ना हो, उनका नाम है प्रयोजन भूत तत्व। तत्व और प्रयोजन भूत तत्व, यद्यपि जहां तत्व शब्द का प्रयोग करते हैं जनवाणी में वो सब प्रयोजन भूत तत्व के अर्थ में ही करते हैं। तत्व तो सारा जगत है, तत्व तो सब है। तस्य भावस तत्वम, वस्तु का जो स्वरूप है वही उसका तत्व है, तो तत्व तो सब है, सवाल तत्व का नहीं है। बात यह है कि हम किन बातों को जाने कि हमारा दुख दूर हो, सुखी होने के लिए जिन बातों का जानना जरूरी हो, जिन तत्वों का जानना जरूरी हो, उसका नाम है प्रयोजन भूत तत्व। सुखी होने के लिए क्या क्या जाने भैया, सुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए जानो कि कौन से मौसम में कैसे रहना चाहिए, हैं? सुखी होने के लिए जानो क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, हैं? फ्रूट्स भोजन के पहले लेने चाहिए कि भोजन के बाद में लेने चाहिए, हैं? सुखी होने की विधि में सब जानो, किस तरह से बैठना चाहिए, नीचे गिरी हुई वस्तु को कैसे उठाओ। आप यदि ढंग से नहीं उठाएंगे
तो थोड़े टाइम बाद में आपके कमर में दर्द होने लग जाए। ये सिखाते हैं ये सब योगा करने वाले और आसन प्राणायाम प्रत्यय सब योग दर्शन भी है एक ऐसा, उसमें अष्टांग की चर्चा की, अष्टांग योग। उसमें कहा यम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, योग संप्रदाय की बात कर रहा हूं मैं, जैन नहीं, अष्टांग योग की चर्चा की है। वो एक एक बातें सिखाते हैं आपको, सुखी होने के लिए ये करो, सुखी होने के लिए ये करो। ये सुनो भाई, सुखी होने के लिए दुनिया की बातों को जानो चाहे ना जानो, लेकिन आप इन सात बातों को जरूर जानो। कौन सी सात बातों को जानो? कि मैं कौन हूं, नंबर वन मैं कौन हूं, पहली चीज होगी। फिर कौन मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं ये जानने के साथ साथ में आर्जव ये जानना भी जरूरी है कि मैं कौन नहीं हूं। क्यों भैया, जब मैं कौन हूं ये जान लिया कि नहीं नहीं कहीं कहीं गलत फहमी नहीं हो जाएगी यार, यही तो मैं हूं। तो जो नहीं हूं उसको भी जानना जरूरी है। जिस रास्ते जाना है उसे तो जानना ही है, जिस रास्ते नहीं जाना है उसको भी जानो। कहीं गलती से तुम उस रास्ते चल गए तो भ्रम न हो जाए यार ऐसा ही तो था। तो जो मैं नहीं हूं उसे भी जानो। मैं हूं ये कौन है? जीव तत्व। और जो मैं नहीं हूं वो कौन है? वो है अजीव तत्व। दोनों को जाना। फिर मेरे दुख के कारण क्या है और मैं दुखी क्यों हूं इसे जानो। ये है आश्रव बंध। और मैं सुखी कैसे हो सकता हूं इसे जानो। ये समवर निर्जरा। और सबसे पहले ये श्रद्धान करो कि मैं पूर्ण सुखी भी हो सकता हूं। ये मोक्ष। यार मैं दुख दूर करने का प्रयास तो कर रहा हूं, क्या पता ये दुख मिटता भी है कि नहीं मिटता। कभी कभी तो बहुत सारे लोग इलाज इसलिए ही नहीं कराते कि तकलीफ से इतने ज्यादा अभ्यस्त हो जाते हैं कि ये मान बैठते हैं कि अब तो इसका कोई इलाज नहीं है, अब तो ऐसे ही चलेगा। अभी तो ऐसे ही चलेगा था, अब ये मिटेगा नहीं। तो जिसने ये समझ लिया मिटेगा नहीं, वो उसका इलाज भी नहीं कराता, वो उसका प्रयास भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहला श्रद्धान क्या जरूरी है जैन साहब अपने जीवन में? मैं कौन हूं। मैं कौन हूं के साथ साथ मैं पूर्ण सुखी भी हो सकता हूं, लास्ट वाला। मैं पूरी तरह से सुखी भी हो सकता हूं, मैं मुक्त भी हो सकता हूं, मैं अनंत सुखी हो सकता हूं, मेरे दुखों का 100% अभाव हो सकता है। ये मोक्ष तत्व। फिर यदि मोक्ष है तो हो सकता है ना, उसका कोई तो कोई रास्ता होगा। रास्ता समवर निर्जरा है और गलत रास्ता आश्रम बंद है। और मैं कौन हूं और कौन मैं नहीं हूं, ये जीव और अजीव तत्व हैं। इन सात बातों का जानना जरूरी है, प्रयोजन भूत है ये सातों बातें जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए। यहाँ अजीव तत्व के संदर्भ में इन्होंने ज्ञान स्वभावी आत्मा से विपरीत तत्व की बात कही, और मैं इसकी अधिक व्याख्या न करते हुए अत्यंत संक्षेप में भी आपको कहूँ तो कह सकता हूँ ये शरीर ये अजीव तत्व है। बस ये अजीव तत्व है कि साहब ये माइक अजीव है या नहीं है? अजीव तो है, अजीव तत्व नहीं है। बारीक बात कह रहा हूं थोड़ी, क्या कह रहा हूं, ये अजीव तो है, ये अजीव तो है, ये जो तू देखे इन आंखों से ये सब अजीव तो है, अजीव तत्व नहीं है, अजीव द्रव्य है। पांच द्रव्यों में शामिल हो जाएंगे अजीव द्रव्यों में। ये क्या मतलब साहब, समझ में नहीं आ रही। अजीव द्रव्य और अजीव तत्व की बात समझ में नहीं आ रही। अरे भाई, हमने तत्व किसे कहा? जिसका जानना कंपलसरी हो उसका नाम तत्व। जीव का जानना कंपलसरी है सुखी होने के लिए, अजीव जानना जरूरी है, आश्रम वन संबंध जरा मोक्ष को जानना जरूरी है। तो जो चीजें माने समझ लीजिए, मोक्ष मार्ग के लिए जितना कोर्स कंपलसरी हो वो कोर्स तो कहलाएगा सात तत्व, जो कोर्स कंपलसरी है। और जो कोर्स जिन बातों का जानना जरूरी नहीं है, बोले उनको आप दूसरी जगह कहीं भी ले जाओ, तत्व नहीं है। अब हमने कहा ये मोबाइल बतलाओ, ये मोबाइल कौन सा तत्व है? ये अजीव है।
यदि मोबाइल अजीव तत्व मान लिया जाए, क्या सब मोबाइल को यदि अजीव तत्व मान लिया जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मोबाइल को जानना जरूरी हो जाएगा क्या? जो लोग मोबाइल नहीं जानते हो उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। और ये सब अजीव तत्व है, इसको जानो कि नहीं नहीं ये दुनिया भर के अजीबों को जानने की जरूरत नहीं है, तूने इसको जान लिया कि ये मैं नहीं हूं, हो गया अजीव तत्व का श्रद्धा खत्म। बात ये प्रयोजनभूत है, प्रयोजनभूत अजीव तत्व की चर्चा है ना, सातों तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहकर के पुकारा है ना। जब हमने सातों तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहा तो सात के साथ में लगाओ, प्रयोजनभूत जीव वो जीव तत्व है, प्रयोजनभूत अजीव वो अजीव तत्व है, प्रयोजनभूत आश्रम, प्रयोजनभूत बंध, प्रयोजनभूत संवर निर्जरा और प्रयोजनभूत मोक्ष। क्या प्रयोजनभूत मोक्ष क्या है? कि मैं सुखी हो सकता हूं, मुझमें ये सामर्थ्य है, वो प्रयोजनभूत मोक्ष तत्व है। हमने सिद्ध भगवान को जान लिया, वो प्रयोजनभूत मोक्ष तत्व नहीं है, उनसे हमारा कुछ भला होना नहीं। इसीलिए देखो कितनी बातें हैं, हमने पूरा प्रवचन है इसके ऊपर, एक आध दो प्रवचनों में चर्चा की होगी, पहले ध्यान नहीं है, ये तो आपकी रिकॉर्डिंग ही बतलाएगी। माने ये अजीव तत्व के संदर्भ में बहुत विस्तृत व्याख्या बातें हो गई, कई सालों पुरानी है ना। इससे पहले चलाया था क्या? 2016 के आसपास चला है, दोबारा 15-16 में, 15-16 में चला है ना, तीसरी बार चला 15-16 में, उससे पहले 6-7 में चला, और उससे पहले 94-95 में चला। ये तो मैंने जो चलाया उसकी बात कह रहा हूँ, यहाँ जो चलाया है। तो इतना अजीव तत्व की व्याख्या करते हुए हमने क्या बात कही कि बतलाओ नंदीश्वर दीप कौन सा तत्व है? अब यदि उसको अजीव तत्व में शामिल कर लिया जाए, प्रयोजनभूत अजीव तत्व में शामिल, अजीव तो है नो डाउट, वो सारी संरचना अजीव है, लेकिन उसको यदि प्रयोजनभूत अजीव तत्व में शामिल कर लिया जाए, और फिर हमने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तुम्हें नंदीश्वर दीप जानना जरूरी हो जाएगा वो तत्व होने से। तो फिर अजीव तत्व में किन बातों को शामिल करें? क्या ये दुनिया भर की बातें अजीव तत्व नहीं है? ये सिर्फ वो अजीव तत्व है जिसमें जीव तत्व होने का भ्रम खड़ा होने की संभावना हो, और मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, ये मैं पना होकर जहां भ्रम उत्पन्न होने की संभावना हो और वास्तव में मुझसे भिन्न हो, वो जान लो कि इसमें सबसे ज्यादा संभावना है शरीर में, आईने के सामने खड़ा होकर के ये भ्रम होने की समझ, यार यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं, मैं कितना सुंदर दिखता हूं, मैं कितना गोरा दिखता हूं, मैं कितना कमजोर हो गया हूं, मैं इतना काला कैसे पड़ गया, ये जो मैंपना जिसके साथ में जुड़ रहा है, असली तो उसे समझने की जरूरत है, भैया ये तू नहीं है, कि मैं नहीं हूं तो कौन है, कि तू तो है जीव तत्व और जो तू नहीं है वो है अजीव तत्व। जहां गलत प्रेमी की संभावना हो, बोले वो जरूरी है भाई साहब, इसको जानना तो जरूरी है, दूसरों को जानना जरूरी है, मैं उपदेश दे सकता हूं, मैं उपवास कर, वो सब अजीव तत्व, वो सब जीव अजीव तत्व संबंधी भूलों में दिया। टोटरमल जी साहब ने 225 पेज पर पंडित जी साहब ने ऐसी चर्चा की है मोक्ष मार्ग प्रकाशक तत्व में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, वहाँ उन्होंने पांच सात पॉइंट दिए इस तरह के, अपना अंश पर में मिलाना, पर का अंश अपने में मिलाता है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला करके देखता है, ये सारी बातें वहाँ बहुत विस्तार से शामिल की, उपदेश उपवास आदि क्रियाओं को अपनी कहता है। कल हमने जो पॉइंट कहा था ना कि मैं समझता हूँ और मैं समझाता हूँ, ये दोनों बातें स्वीकार करना ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। जो समझता है वो समझा नहीं सकता, और जो समझाता है उसको समझ नहीं सकता। भाषा वर्गणा के परमाणुओं में समझने की योग्यता नहीं होती। भाषा, ये जो शब्द निकल रहे हैं ना दीपेश जी, ये शब्द पुद्गल है, इन पुद्गलों का परिणमन स्वाधीन रीति से होता है। अभी ये जो यहाँ अक्षर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक एक अक्षर की संरचना होने में शब्द नहीं, वाक्य नहीं, पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ कुछ लाइनों का, उनमें से एक वाक्य, यहाँ फुल स्टॉप लग गया, एक वाक्य में बहुत सारे शब्द,
एक शब्द कई अक्षरों से मिलकर के। अब जो एक अक्षर लिखा आपने क, ये अक्षर लिखा आपने, ये क अक्षर लिखने में अनंत पुद्गल परमाणुओं की संरचना है वो क। क्या भैया समझ में आ रही है बात? कुछ रचना पदार्थ की योग्यता से हुई। हाँ, उसमें मेरे भाव निमित्त है, माने वो जो क की जो रचना हुई है, ये जो यहाँ से जो घूम रहा है पेन जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है और जो इंक उसमें निकली है जिसके माध्यम से रचना हुई है, उसमें परमाणुओं की दृष्टि से देखो तो अनंत पुद्गल परमाणु है। स्याही स्वयं फैली, वो स्याही स्वयं फैली है अपनी योग्यता से। वो स्याही के परमाणुओं की योग्यता उस रूप होने की थी आप चाह करके, इसीलिए तो हम। अच्छा देखो मैं ये कह रहा हूँ, आप यदि लिखने वाले हो, आप यदि बोलने वाले हो, आप सोच सोच करके बोल ही नहीं सकते। सौ सर के हो जाओ आप सोच करके बोल नहीं सकते। सोचता क्या, बोलता क्या, क्या मुझे पता ही नहीं। ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है यदि आप ऐसा समझते हो तो। मैं बोलता हूँ, मैं समझाता हूँ, कोई व्यक्ति ये कहे और साहब वो है ना, चार छः महीने पहले आपने एक दिन प्रवचन किया था, बहुत ही गजब था। क्या आज हमारे चाचा जी को साथ में ला रहा हूँ, आप वही प्रवचन करना दोबारा। कर सकते हो, वही बातें बोल सकते हो, निकल ही नहीं सकती, आपके वाक्य रिपीट हो ही नहीं सकते। आपके मुंह से क्या निकला है आपको खुद को पता नहीं है कि अगला सेंटेंस क्या होने वाला है, आप सोच नहीं सकते हो। आपके हाथ का परिणमन वैसा हो ही नहीं सकता जैसा आप वैसे एक्शन दोबारा कर ही नहीं सकते हो। आप जो लिख रहे हो उसके बारे में कहता हूँ, देखो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, अभी फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, खूब तैयारी करी, किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, अब पेपर में लिखना है, आपको पता है क्या लिखोगे? बहुत अच्छे से समझा हुआ था सब्जेक्ट, जैसे अभी बच्चों की बात मत करो, सबकी बात समझ लो। आपको एक सब्जेक्ट हमने यहाँ समझाया, पूरी तरह से समझ में आ गया। अब हमने कहा अब आपके पास में 3 मिनट का समय है, जो कुछ समझा है उसे एक पेज पर लिख दो फटाफट। आपने 3 मिनट में फटाफट पेज पर लिखा। अब हम ये कह रहे हैं इस पेज के ऊपर वही अक्षर लिखे जाएंगे जो अक्षर लिखने की योग्यता होगी कि नहीं। नहीं मैंने लिखा है, आप पूरा लिखने के बाद में उसे पढ़ो, अरे यार यहाँ तो का लिखना भूल गया, अरे यार यहाँ तो मात्रा गलत लग गई, अरे यार ये जो मैंने लिखा है इसको और ज़्यादा व्यवस्थित हो सकता था, इन्होंने फास्ट कर दिया, थोड़ा सा और सोच करके लिखता ना तो ये वाक्य पहले आता, ये बाद में आता, ये सेंटेंस इस तरह से बनाया जाता तो और अच्छा बनता। तुम्हारे हाथ में नहीं है कौन सा सेंटेंस कैसे बना करके लिखोगे? क्या साहब ये एक जो सेंटेंस बनाया जा रहा है उस सेंटेंस में कौन से अक्षरों को पहले लिखा जाएगा, कौन से अक्षर बाद में लिखे जाएंगे, ये उन अक्षरों की योग्यता पर निर्भर करता है। और टोडरमल जी स्वाधीनता को बतलाते हुए कहते हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति में, लिखनाधिक वचनाधिक क्रिया वर्णाधिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल को खेल, या में नाई हमारो मेल। क्या लिखनाधिक क्रिया वचनाधिक क्रिया भैया, क्या सुना दिया ना? देखो मैंने आपको याद कर लिया, सुना दिया ना मैंने, फटाफट बोल दिया मैंने, अरे अभी बोल देता हूं मैं, क्या शब्द निकलेंगे, क्या बोला जाएगा। भाषा वर्गणा के उन एक एक शब्दों में अनंत पुद्गल परमाणुओं के माध्यम से उन भाषा वर्गणा के शब्दों की रचना हुई है, अनंत पुद्गल परमाणुओं से। एक क अक्षर लिखा आपने, उसमें परमाणु किस रूप से परिणमित हुए, अब दोबारा आप क लिखेंगे तो वे परमाणु किस रूप से परिणमित होंगे, ये दोनों में स्वाधीनता है, इसलिए दो अक्षर एक जैसे आप लिख नहीं सकते। कौन से पेन से कौन सा लिखा जाएगा, कब क्या लिखी जाएगी बात, कितनी बात लिखे, कितना करें, क्या वर्णन करने में आए, क्या स्वाधीनता है भाई। ये वस्तुओं की स्वाधीनता यदि ख्याल में आए तो कह रहे हैं जीव अजीव तत्व का स्वरूप तुम्हारे समझ में आया। एक बार साइन किए दोबारा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। एक बार साइन किए हुए दोबारा साइन हो ही नहीं सकते, खाली फ्लो। कितनी बार कर चुके हैं अपन पहले यहाँ चर्चा, माने क लिख करके आपने दोबारा क लिखा और दोनों को आप इनलार्ज करो, दोनों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर और देखो तो दोनों की शेप में अंतर है। आप यदि करने वाले हो तो शेप में अंतर क्यों है,
हमने ही बनाया है। देखा तो उसकी शेप हल्का सा ऐसा कोना निकलना था, इसका ऐसा होना था, ये नीचे जाकर के हल्का सा घूम जाना था, ये उन परमाणुओं की योग्यता है। बिल्कुल बिल्कुल है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, कोई किसी का काम नहीं करता। मैं जग का करता क्या काम, बोलो, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम, कैसे शब्द निकले होंगे, वर्णी जी के कीर्तन के वचन है, सहजानंद जी वर्णी, इस पर तो पूरे पर प्रवचन भी किया ना, एक प्रवचन है इस पर। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा तम राम, और आगे चल करके इसी में आगे लाइन है, होता स्वयं जगत परिणाम। अपने घर का तो करते होता स्वयं जगत परिणाम, मैं घर का करता क्या काम। हाँ सही कहा, ये तो कोई काम नहीं करते घर का, ये तो घर का कोई काम नहीं करते। अरे घर का कोई काम नहीं करता, तन का कोई काम नहीं करता, जगत का समाज का कोई काम नहीं करता। ये कर्तृत्वपन की जो मान्यता है ये टूटनी चाहिए, ये कर्तृत्व का अभिमान जो माथे पर सवार है ये टूटना चाहिए। और ये अभिमान कब टूटेगा, जब दो तत्वों की स्वाधीनता ख्याल में आएगी कि जीव तत्व न्यारा है, अजीव तत्व न्यारा है, जीव अजीव का काम नहीं करता, अजीव जीव का काम नहीं करता। करते हुए दिखते हैं दीपेश जी, ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, मैंने मोबाइल चलाया, मैंने गाड़ी चलाई, मैंने ये सब काम किया, हमने रोटी बनाने में सहयोग किया, हमने ये किया, हमने इतनी पढ़ाई करी, ये सब कहते हुए दिखते हैं बेटा। आर्य समझ में आ रही है बात तेरे कुछ, ये सब लगता है मैंने किया मैंने किया मैंने किया, लेकिन सच्ची बात ये है कि मैं नहीं करता हूँ भाई, ये हकीकत है। ये बारीक बात समझ में नहीं आती है। तो जीव जब अजीव का नहीं करता और अजीव जीव का नहीं करता, ये बात अंतर में श्रद्धा के लेवल पर गहराई से उतरती है तो कहते हैं तुम्हें जीव अजीव तत्व का भाव भाषण हुआ। तो जीव अजीव तत्व समझ में आए तुम्हारे। समय सार 308 से 311 तक गाथाओं की टीका में लिखा ना, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्य मानो जीव एवं न अजीव है, एवं अजीवोपी क्रम नियमित आत्म परिणाम है उत्पद्य मानो अजीव एवं अजीव है। ये जो बातें वहां लिखी है अमरचंद्र स्वामी ने, ये ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं वो, बड़ा गजब किया है उन्होंने, कमाल कर दिया। ये बातें कहां कहां से निकाल करके लेकर के आए, ये वस्तु का स्वरूप है, ये कुदरत की व्यवस्था है, सृष्टि की ऐसी व्यवस्था है, ये विधि का विधान है, इसे पलटने वाला कोई नहीं है। इस खंभे का एक कॉर्नर ये घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये किसने घिराया है बोलो, ये बीच में एक दरार पड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये किसने दरार डाल दी है, ये इतने बड़े इस पिलर में ये बीच में ये ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन किसने डाली है, कौन करे, काले से सफेद कौन कर दे और सफेद से काला कौन कर दे। आपका चेहरा तो बहुत गोरा था, ये काला कैसे हो गया है? ये कलर कलर में फर्क कैसे पड़ रहा है। ये हर परमाणु स्वतंत्र है, एक एक जगह का परमाणु स्वतंत्र है। बस इस स्वाधीनता की चर्चा यहाँ जीव और अजीव तत्व के माध्यम से की गई। अब बड़ा सुंदर प्रसंग है आश्रव तत्व का, बड़ी मार्मिक बात आश्रव के बारे में कहना चाहते हैं। आत्मा में उत्पन्न, इसका मतलब आश्रव कहीं सब्जी मंडी में नहीं मिलेगा आश्रव कहाँ मिलेगा, आश्रव कौन सी जगह पर है, आश्रव किसी का नाम भी हो सकता है, वो नहीं, आश्रव बाहर में नहीं है, आत्मा में उत्पन्न होने वाला, इसका मतलब आश्रव की उत्पत्ति आत्मा में होती है। आश्रव जड़ में नहीं होता, आश्रव अचेतन पदार्थों में नहीं होता, आश्रव की उत्पत्ति कहां है, आत्मा में। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष रूप, क्या क्या कहते हैं, मोह राग द्वेष रूप विकारी भावों को,
नहीं नहीं एक शब्द और डाल दिया बीच में, शुभाशुभ, और फिर शुभाशुभ कह करके कह दिया विकारी। इसका मतलब देखो तीन बातें हो गई यहाँ, इनको कहते हैं भावाश्रव, कहते हैं तीन बातें हो गई, एक हो गया मोह राग द्वेष, एक हो गया शुभाशुभ और एक हो गया विकारी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये साथ में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। इसका मतलब मोह राग द्वेष अशुभ ही हो यह जरूरी नहीं है, मोह राग द्वेष में शुभ भी हो सकते हैं। जैसे ऐसा भी कह सकते हैं मोह तो अशुभ ही है, दर्शन मोह है ना, वो तो अशुभ रूप ही है, लेकिन जो राग और द्वेष है उनमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का बंटवारा होता है। मोह राग द्वेष का ना, मोह राग द्वेष का मतलब मोह माने तो होता है दर्शन मोह, और राग द्वेष माने होता है चारित्र मोह। तो मोह राग द्वेष कहा, तो दर्शन मोह तो अशुभ ही है, अशुभ रूपी है, लेकिन जो राग द्वेष है, क्या सब समझ में आती है बात, कुछ कठिन पड़ती है, चार घाते क्रम में आएगी समझ में धीरे धीरे। मोह वाला दर्शन मोह चार घाते क्रम में, हाँ घाती या कर्मों में जो दर्शन मोह है ना, वो तो अशुभ रूपी है, वो तो पाप रूपी है, उसकी क्या बात करें भाई। बातें भली कठिन लगे आपको, लेकिन आपकी नियमितता और आपकी निरंतरता ये आपको निश्चित रूप से वो विषय को स्पष्ट करेगी। पहले सबसे पहले समझना है। हाँ ये सबसे पहले समझने योग्य बातें हैं। तो क्या बात कह रहे थे हम आपसे, मोह राग द्वेष, मोह तो अशुभ और राग द्वेष में शुभ भी है और अशुभ भी है। इसका मतलब कुछ राग तो शुभ होता है और कुछ राग अशुभ होता है, कुछ द्वेष में भी शुभ होवे और कुछ अशुभ होवे, ये बात संभव है। माने समझ लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे विरोध का भाव होता है ना किसी के, नाराज होकर के समझाने का भाव है, तो ये द्वेष रूप भाव दिखाई दे रहा है, लेकिन वो द्वेष रूप भाव में वो शुभपना छिपा हुआ है। माने क्रोध, क्रोध जो है ये द्वेष रूप है ना, क्रोध और मान ये द्वेष है, माया और लोभ ये राग रूप है। 25 कषायों को बांटा है, इनमें चार प्रकार का क्रोध, कौन सा है यार चार प्रकार का क्रोध, आनंद आनुबंधी अप्रत्याज्ञान प्रत्याज्ञान संकरण, ये चार प्रकार का क्रोध। ऐसे ही चार प्रकार का मान, आठ हो गए, फिर इसके बाद में अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये बारह हैं द्वेष, ये बारह द्वेष रूप हैं। और अब कौन से बच गए, चार प्रकार की माया, चार प्रकार का लोभ, हास्य, रति और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, पांच ही है। तो आठ और पांच तेरह, ये तेरह हैं राग रूप। तो सुनो, अब क्रोध और मान तो द्वेष रूप है ना, क्या क्रोध और मान द्वेष रूप है, द्वेष रूप होते हुए भी इनमें शुभाशुभ का भेद पड़ता है। कैसा, मान तो द्वेष रूप है, तो द्वेष होते हुए भी शुभ भी हो सकता है, शुभ मान कैसा हो सकता है, एक व्यक्ति इस बात का अभिमान करे कि मैंने बहुत पैसा कमाया, और एक व्यक्ति इस बात का कुछ अभिमान करे कि यार मैंने खूब ज्ञान कमाया, ज्ञान सीखा, खूब अभ्यास सीखा, घमंड तो हो ही सकता है ना इस बात का, मैंने याद कर लिया, तेरे को तो हुआ ही नहीं। ये जो घमंड है, ये जो अभिमान है, ये अभिमान शुभ रूप है, जनवाणी के अभ्यास स्वरूप है, और वो जनवाणी के विपरीत है। तो मोह राग द्वेष में शुभ अशुभ पना घटित किया पहले, तो फिर एक गजब शब्द दे दिया इसके आगे, शुभ कहो या अशुभ कहो ये विकारी है, दोनों ही विकारी है, भिखारी भिखारी भी कह सकते हो। ये शुभ अशुभ की वृत्तियां जिसके जीवन में पनपती है उसकी वृत्ति भिखारियों जैसी दिखती है, और जिसके जीवन में शुभ अशुभ वृत्तियां ना होवे वो भिखारी नहीं, वो भगवान बनता है। शुभ अशुभ जिसके जीवन में है
वो दर दर की ठोकरें खाता रहेगा और शुभ अशुभ से ऊपर उठकर शुद्ध पर जिसकी दृष्टि है वो व्यक्ति दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा। उसके जीवन से भिखारीपन मिट गया, अब उसके जीवन में संपन्नता आ गई, आने का काल आ गया। ये विकारी भावों को भावाश्रम कहते हैं। राग भी विकारी है, शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, दोनों को भिखारी कह करके पुकार रहे हैं दीपेश जी। चलो अब ये तो द्वेष की मोह की चर्चा की, अब राग में लगाओ। राग में तो बहुत सारी बातें हैं, शुभ अशुभ राग, स्त्री पुत्रादिक बाल बच्चों के प्रति होने वाला राग अशुभ राग है, धन पैसा मोबाइल जमीन दुकान जायदाद के प्रति होने वाला राग अशुभ राग है, और साधर्मियों के प्रति होने वाला राग ये शुभ है, देव शास्त्र गुरु के प्रति होने वाला राग विशुभ है, ठीक है, माने विषय कषाय के प्रति होने वाला राग ये शुभ राग है, अशुभ है, और विषय कषाय से हटकर ये जिनवाणी तत्व ज्ञान इनके प्रति होने वाला राग, शरीर को दिखाने के लिए जाने का राग अस्पताल में ये अशुभ है, और आत्मा के इलाज के लिए आने का राग मंदिर में ये शुभ राग है। किसका इलाज कराने का भाव आ रहा है बोलो, शरीर के उपचार का भाव आ रहा है कि आत्मा के उपचार का भाव आ रहा है? तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया। तन का उपचार किया खूब, अरे यार बीमारी नहीं हो जाए, अरे यार घुटनों का दर्द, अरे यार तबीयत खराब, भाई साहब गर्मी बहुत लग रही है तो क्या करूं, एसी लगाओ, कूलर लगाओ, ये लगाओ, चंदन लगाओ ऊपर से, ऐसे ठीक हो जाएगा। तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, और मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार है तू, तुमको चंदन सम है पाया, हो कर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। क्या शब्द लिखे हैं, पूजा करो तो मजा है, ये बदल बदल करके किया करो पूजा, क्या बदल बदल करके पूजाएं करो रोजाना, भाव समझते हुए करने में जो आनंद आता है वही सिद्ध पूजा रोज करते हो, वही वही नहीं, आज नई सिद्ध पूजन करो, क्या शब्द है, फिर धीरे धीरे करके वो शब्द उनका भाव वासन हो, मजा आता है, सिद्ध भगवान की पूजन है। तन का उपचार किया अब तक, ये सच्चाई नहीं है क्या, डॉक्टरों के चक्कर लगाता है थोड़ी सी कुछ, अरे सुबह से शाम तक तबीयत ठीक नहीं हो, डॉक्टर बदलने की सोचने लगता है। यदि एलोपैथिक से इलाज नहीं हो तो होम्योपैथिक तरफ भागता है, उससे नहीं हो तो आयुर्वेद की तरफ भागता है, आयुर्वेद से नहीं हो तो योगा की तरफ भागता है, इससे हो जाएगा, एक्यूप्रेशर की तरफ भाग, कैसे न कैसे बस ठीक हो जाए। क्या क्या उपाय नहीं किया आज तक, तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया। ये सब तो आज तक किया था, अब क्या चाहता है ये बता, ये तो अभी तक किया था वो बतला दिया, अब क्या चाहता है, अब आत्म के उपचार हेतु, अब किसका उपचार करना है, अब इलाज किसका करना है, कोई तकलीफ है क्या, तकलीफ नहीं होगी तो कैसे होगा, आत्म के उपचार हेतु, इलाज करने के कौन, ये परमात्मा, ये जिनवाणी, अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम है पाया, इसलिए हे जिनेन्द्र देव हो कर निराश, कहां से, घर से, गृहस्थी से, परिवार से, बिजनेस से, काम धाम से, व्यापार रोजगार से, सबसे निराश होकर, कहीं सुख नहीं मिला, कहीं शांति नहीं मिली, होकर निराश सब जग भर से,
अब सिद्ध शरण में मैं आया। हे सिद्ध परमात्मा, हे शांतिनाथ स्वामी, हे महावीर स्वामी, आपके चरणों की शरण में आ गया हूँ। सारे जगत से निराश होकर, हे प्रभु, अब आपके चरणों की शरण में आया हूँ, अब तो आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा तो ही क्या होगा, उपचार होगा। कि बीमारी क्या है ये बताओ, उपचार के लिए तो आए हो तुम, बीमारी क्या है? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, यही बीमारी है। ये शुभ अशुभ विकारी भाव, ये भावाश्रव, ये बीमारी है। इनका होना है इलाज, इनका इलाज करना है हमारे को। विकारी भावों का इलाज करना है। किसका इलाज करना है? इलाज जिसका करना है उसको मिटाना है ना। तो किस किस को मिटाना है? अशुभ तो विकारी था ही, शुभ भी विकारी है। इलाज दोनों का करना है, मिटाना दोनों को है। दोनों में से एक भी जब तक बना रहेगा तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बातें खतरनाक है भाई साहब। क्या ऐसे लगता है हमारे को, क्या कह रहे हो आप? अशुभ के साथ साथ शुभ भी? हाँ हाँ, शुभ भी निश्चित चैतन्य विरोधी है। निश्चित चैतन्य विरोधी है ये सिमंदर भगवान पूजन में लिखा। ज्ञान वान प्रकाश, पाप पुण्य सब नाश के। कहाँ लिखा? पंचमेरु पूजन में। सोलह कारण, ये तीनों पूजाएं जो है ना, सोलह कारण पूजन, पंचमेरु पूजन और नंदीश्वर दीप पूजन, ये ध्यान रख रहा है कि पूजनों में ऐसे अच्छे प्रयोग। सोलह कारण पूजन की लाइन है, देखो निशांत। सोलह कारण गुण करे हरे चतुर गति वास, और पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भान प्रकाश सब नाश के, पाप भी नाश के और पुण्य भी नाश के। तुम तो पुण्य पुण्य की बात करते हो। तीर्थ कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो, चलो जी समेत शिखर चालो। काय काय के लिए जा रहे हो समय शिखर? कमाने के लिए जा रहे हैं। ये क्या कमाने के लिए जा रहे हो? पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं। और फिर शिखर जी जाकर के वहां बादवे का महीना चल रहा था, शिखर जी वंदना करी और वंदना करके नीचे उतर करके हमने सोलह कारण की पूजन करी और फिर लिखा पाप पुण्य सब नाश के। पुण्य कमा लो, पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भान प्रकाश। ये असली काम तो यही करना था भैया, असली काम तो यही करना है। पुण्य में अटकना नहीं है, पुण्य पर रीझना नहीं है। ये पुण्य क्या भला करेगा तेरा? 2-5 करोड़ इकट्ठे करा देगा और क्या करेगा? और थोड़ा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ जाएगा। जिस पुण्य पुण्य के पीछे भाग रहा है और जो इतना इकट्ठा हो गया है, ये क्या करा देगा? ये उदय की चर्चा बंद तत्व संबंधी भूल में कही आगे। अभी तो यहाँ ये भावाश्रम कहते हैं, ये हो गया। शुभाशुभ विकारी भावों को भावाश्रम कहते हैं। सारे भावों को विकारी भाव कहकर के पुकारा गया और उनके निमित्त से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का स्वयं आना। ये स्वयं भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका मतलब जीव कर्मों को खींच सके ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म तो पुद्गल है। जीव के जब विकारी भाव होते हैं, जीव तो राग द्वेष कर सकता है कि निर्मल परिणाम कर सकता है। तो जीव ने जब राग द्वेष के भाव किए तो इन भावों का निमित्त पाकर बाहर में स्वतंत्र विचरण करती हुई कारवाण वर्गणाएं वो खिंच गई, अट्रैक्ट हो गई और आत्म प्रदेशों के साथ में आकर के चिपक गई। इनका नाम है द्रव्य आश्रम, इनके चिपकने का नाम द्रव्य आश्रम। और चिपकने का जो असली कारण था राग द्वेष का परिणाम, उसका नाम है भावाश्रम। तो मैं किसको रोकूं? द्रव्याश्रम को रोकूं मैं? आते हुए कर्मों को रोकूं? कि कैसे रोकेगा बता? लगा दे चौकीदार एक, नहीं आना चाहिए भाई, कर्म नहीं आने चाहिए, रोक दिया इनको। ये सुन सुन, उससे नहीं, इधर तेरे भाव बदलेंगे ना, वो अपने आप रुकेंगे, वो अपने आप रुकते हैं। कर्मों को रोकने के लिए कर्मों की तरफ नहीं देखा जाता, कर्मों को रोकने के लिए स्वभाव की तरफ देखा जाता है। वो बात संवर में कहेंगे आगे। तो ये ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का स्वयं आना
ये द्रव्य आश्रव है, और विकारी भावों का होना ये भाव आश्रव है। इस तरह से इन दोनों बातों को पहचानना, इसका नाम है आश्रव तत्व की स्वीकृति। फिर इनकी चर्चा करेंगे आगे विस्तार से अपन। फिर बंद बतलाए, आश्रव पूर्वक बंद होता है, फिर संवर निर्जरा की चर्चा करके मोक्ष तक की चर्चा कल पूरी करने का प्रयास करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम।